हेलो दोस्तों, एलएम यानी लिसन मोड में आपका स्वागत है। आज का विषय है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव जो सिर्फ किसी खास समय में हुई घटना ही नहीं बताता, बल्कि सवाल भी करता है। इट हैपेंस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, शोइंग इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। और इसे डिड से शुरू किया जाता है, जैसे क्या वह आया, डिड ही कम, क्या वह गया, डिड ही गो, क्या उसने काम किया, डिड ही डू द वर्क, क्या तुमने काम किया, डिड यू डू द वर्क। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हम आसानी से सीख सकते हैं। एक्सरसाइज दिए गए हैं, इन्हें खुद अनुवाद करें। नाउ लेट्स गो टू द पैसेजेस विद ब्यूटीफुल वर्ड्स। और इन तमाम पैसेजेस में पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का वर्णन किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे, क्या तुम वहाँ गए जहाँ सरकारी संपत्ति था उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। डिड यू गो टू दैट प्लेस वेयर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड इट्स रिकॉर्ड्स आर कैप्ट। साथ ही उस स्थान पे जाना वर्जित है, उस स्थान को आर्काइव कहा जाता है। द प्लेस दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, पीपल आर नॉट अलाउड टू विजिट दैट प्लेस, सच प्लेस इज कॉल्ड आर्काइव। और उस स्थान को हम आर्काइव कहते हैं। यहाँ एक शब्द की जानकारी हासिल हुई, साथ ही इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जानकारी लिया गया। नाउ लेट्स गो टू अनदर पैसेज। क्या तुमने उस व्यक्ति को डांटा जिसने जानबूझकर तुम्हारी कार को नुकसान पहुंचाया। डिड यू स्कॉल्ड दैट पर्सन हु डेलिबरेटली डैमेज योर कार। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर उसने तुम्हारी कार को नुकसान पहुंचाया। उस कार के मरम्मत का जिम्मेवार वह खुद होगा। ही विल बी लायबल टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर। लायबल मीन्स जिम्मेवार, जवाबदेह। इस प्रकार हमने दो शब्दों की जानकारी हासिल की तथा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का भी वर्णन किया गया। नाउ लेट्स गो टू अनदर पैसेज। क्या सरकार ने शेरों की रक्षा करने हेतु तो कार्यक्रम बनाया। डिड द गवर्नमेंट मेक एन एजेंडा टू प्रोटेक्ट लायंस, क्योंकि ये विलुप्त होने वाले प्रजातियों में आते हैं। बिकॉज दे कम अंडर इंडेंजर्ड एनिमल। इंडेंजर्ड एनिमल वह होता है जो दुनिया से जाने वाला होता है, विलुप्त होने वाला होता है। और साथ ही इसमें एजेंडा यानी कार्यक्रम, इस सब की जानकारी हासिल की गई तथा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का भी जिक्र किया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने शब्दों की जानकारी हासिल की, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है उसकी जानकारी हासिल की। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मैं इसी प्रकार अपडेट्स देता रहूं। थैंक यू।